एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का वर्गीकरण, इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे अपने। फर्स्ट नंबर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। पहले तो अपने इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में डिफरेंस ये है कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में फील्ड में डालना पड़ता है और कंसंट्रेटेड को कम मात्रा में डालना पड़ता है। और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है कंपैरिजन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। इनको खेत में अधिक मात्रा में डालना पड़ता है और इनको खेत में कम मात्रा में डालना पड़ता है। जैसे कि अपने एग्जाम्पल देखते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर डालिए FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। अपने को इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास की मात्रा क्या होती है, कितनी कितनी होती है, ये जानना है। फार्म यार्ड मैन्योर में NPK की कितनी परसेंटेज है, हमें ये जानना है। जैसे कि नाइट्रोजन फार्म यार्ड मैन्योर में 0.5 होता है और फॉस्फोरस 0.2 एंड 0.5, ये परसेंटेज में है सभी, ठीक है। 0.5, 0.2 एंड 0.5 FYM में NPK परसेंटेज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर कंपोस्ट। जब अपशिष्ट पदार्थों को किसी गड्ढे में डाल करके सड़ाने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कंपोस्ट आर टू टाइप्स, फार्म कंपोस्ट एंड सेकंड टाउन कंपोस्ट। इन दोनों में NPK परसेंटेज अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि फार्म कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन 0.5 एंड फास्फोरस 0.15 एंड पोटास 0.5 परसेंटेज पाई जाती है, ठीक है। और जैसे कि ये तो पाया जाता है फार्म कंपोस्ट में, और टाउन कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है 1.4% एंड फास्फोरस पाई जाती है 1.0% एंड पोटास पाई जाती है 1.4%, ठीक है। FYM हो गया, कंपोस्ट हो गया। थर्ड नंबर नाइट सोइल, नाइट सोइल। मनुष्यों के अवशिष्ट पदार्थों से बनी उत्पाद को नाइट सोइल कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा 5.5% एंड 4.0% एंड पोटास की मात्रा 2.0% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सीवेज
एंड स्लज, सीवेज एंड स्लज। अपने जैसे शहरों के अंदर सीवरेज पाया जाता है ना, सीवरेज में से जो मटेरियल अंदर से निकालते हैं उसके अंदर टू टाइप आर मटेरियल, सॉलिड एंड लिक्विड। जो लिक्विड के अंदर मटेरियल निकलता है उसे अपने सीवेज बोलते हैं, और जो सॉलिड होगा उसे स्लज बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर एन पी के की मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास पाया जाता है। वो कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो है 3 से 6% नाइट्रोजन, 2% फॉस्फोरस एंड 1% पोटास पाया जाता है सीवेज एंड स्लज के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया सिप एंड गोट मैन्योर। सिप एंड गोट मैन्योर, इसके अंदर एन पी के की मात्रा 3% नाइट्रोजन और 1% फास्फोरस और 2% पोटास की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर के अंदर जो पोल्ट्री फार्म का सह, जैसे पोल्ट्री फार्म के अंदर पक्षियों के द्वारा उनका छोड़ा हुआ भोजन, उनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, वो सभी इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर एनपीके की मात्रा 3.03%, फास्फोरस की मात्रा 2.63% एंड पोटास की मात्रा 1.4% पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है ग्रीन मैन्योर। ये अपना बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर था, इसके अंतर्गत जो जो खादें आती थी उसका अपनों ने वर्णन कर लिया, और उसके अंदर अपनों ने ये जान लिया कि किसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है।